नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। प्यार का झांसा देना, कमजोर को मजबूती के सहारे का प्रलोभन, गरीब को दो वक्त की रोटी का लालच और ना जाने क्या क्या धर्म परिवर्तन कराने के तरीके अनेक हैं, पर मकसद सिर्फ एक, कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ाना, उनकी मानसिकता से समाज को दूषित करना। खासकर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का करेक्शन सबसे ज्यादा सामने आता है। हालांकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये माना, कैसे धर्म परिवर्तन हमारे समाज में लोगों को बांट रहा है, इसकी वजह से देश की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है। कोर्ट ने जावेद अंसारी के मामले को लेकर फैसला सुनाया और कई बड़ी बातें भी कही। लेकिन आखिर ये मामला क्या था, जावेद अंसारी कौन है, आइए आपको पूरा मामला हम बताते हैं। जावेद अंसारी ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के तहत हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उसने आयुषी नाम की एक हिंदू लड़की से निकाह किया था। 17 नवंबर 2020 को आयुषी घर से बाजार के लिए निकली, उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने 21 साल की आयुषी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। आपको बता दें कि इसके बाद जानकारी सामने आई कि जलेसर से जावेद अंसारी अपने साथियों के साथ उसे बहला फुसला कर ले गया है। धर्म परिवर्तन कर जबरन निकाह के उद्देश्य से ऐसा किया गया। आरोप था कि बिना जिलाधिकारी को जानकारी दिए अवैध रूप से हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसे मुस्लिम बना दिया गया। साथ ही उसके यौन शोषण का मामला भी सामने आया। वही आरोपित के वकील का ये कहना था कि सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ है। इस मामले को लेकर ये बातें भी सामने आई कि लड़की को जबरन ले जाया गया है, बाद में उसने अपना बयान दर्ज कराया है। पीड़ित पक्ष का कहना था कि शादीशुदा आरोपित ने युवती का अपहरण करके उसे नशीली दवा खिलाई और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए। होश आने पर पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी और मजिस्ट्रेट के सामने आरोपित के खिलाफ बयान भी दर्ज कराया है। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ बड़ी बातें कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि कैसे ये मामला सामने आया और कैसे गूंगी बहरी और गरीब असहाय महिलाओं का धर्मांतरण कराया जाता है, इस मामले को भी उन्होंने सामने रखा। डर, प्रलोभन और लालच देकर ऐसा करने के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी देश का बहुल नागरिक जब धर्मांतरण करता है तो इससे देश कमजोर होता है, इससे विघटकारी शक्तियों को लाभ मिलता है। देश का इतिहास ये बताने के लिए काफी है, जब जब हम बटे और देश पर आक्रमण हुआ तब तब हम गुलाम हुए। किसी को यह अधिकार नहीं कि किसी का लालच या डर के जरिए धर्मांतरण कराया जाए। अगर जबरन ऐसा किया जाता है तो इसे विवेक की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर कट्टरता की कोई जगह नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे पहले भी एक फैसले में कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं। इस मामले को लेकर कोर्ट ने माना कि पीड़िता को उर्दू नहीं आती थी और धोखे से उससे साइन कराए गए, उसका मानसिक और शारीरिक यौन शोषण किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा है कि नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, मर्जी से शादी करना भी संवैधानिक अधिकार है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।